स्वागत है आपका टीपू सुल्तान यूट्यूब चैनल में। तैयारियां हुई तेज, मंदुरी एयरपोर्ट से 30 जून को शुरू हो सकती है उड़ान। आजमगढ़, वर्षों का इंतज़ार अब समाप्त होता दिख रहा है। वर्ष 2007 में जब मंदुरी में हवाई पट्टी की नींव पड़ी थी, तभी से लोग इसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मांग शुरू कर दिए थे। वर्ष 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रीजनल कनेक्टिविटी योजना में शामिल कर सरकार ने इसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की। अब लोगों की मुराद पूरी होती दिख रही है। कारण यह है कि एयरपोर्ट बनकर तैयार है। उड़ान में जो अवरोध हैं उन्हें दूर करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद उड्डयन निदेशालय की टीम यहां का दौरा करेगी। सब कुछ ठीक ठाक मिलने पर उड़ान शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मंदुरी हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा वर्ष 2018 में ही हुई थी। उसके बाद से ही रनवे आदि के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा था। अब यह कार्य पूर्ण हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पहुंचकर पूर्व में निरीक्षण कर चुकी है। उड्डयन विभाग द्वारा विस्तारीकरण में अवरोधों दूर करने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने PWD के इंजीनियर विजय तिवारी, बिजली विभाग के XEN कमलेश यादव, SDO अखिलेश कुमार व सगड़ी तहसीलदार ब्रिजेंद्र उपाध्याय के टीम गठित की गई थी। टीम में शामिल अधिकारियों ने रविवार को एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अवरोध को चिन्हित किया। इस दौरान टीम द्वारा 2 बिजली के खंभे और तार, आधा दर्जन वृक्ष चिन्हित किए गए। उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बिजली के खंभे हटाने के लिए विभाग को पत्र लिखा। वहीं राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द अवरोधों को हटाना सुनिश्चित करें। अवरोध हटाने के बाद उड्डयन निदेशालय की टीम एयरपोर्ट का सत्यापन करने के लिए आएगी। उनके निरीक्षण के बाद मंदुरी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए शासन से अनुमति मिलेगी। हवाई अड्डे से 30 जून 2021 से उड़ान शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की स्थिति में आजमगढ़ ही नहीं बल्कि अंबेडकर नगर, मऊ, जौनपुर के लोगों को इसका लाभ सीधे मिलेगा।